लोकसभा चुनाव के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा का एक इंस्टाग्राम पोस्ट काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें और एक आदिवासी राज्यसभा सदस्य फूलो देवी नेताम को बिलासपुर के छत्तीसगढ़ भवन में शौचालय का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी गई। वीडियो में अलका लांबा कह रही है कि सरकारी गेस्ट हाउस में मुझे छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और एक आदिवासी राज्यसभा सदस्य फूलो देवी नेताम जी को आचार संहिता का हवाला देते हुए शौचालय का इस्तेमाल करने से रोका गया। आपसे आदेश, मैं आदेश दो दिन पहले नियम कानून ये लिखा है। नहीं नहीं नियम कानून नहीं बोला तो नहीं आए यहाँ पे। नहीं एक सेकंड, मैं आपसे फिर क्या पूछ रही हूँ। आचार संहिता नियम कानून ये कहता है कि अगर किसी महिला को शौचालय की जरूरत हो तो सरकारी गेस्ट हाउस में चुनाव में आप शौचालय भी नहीं इस्तेमाल कर सकती सरकार का। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, इसके बारे से एकदम सबसे नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ आपका मत क्या कहता है। महिला सांसद है, राज्यसभा सांसद है फूलो देवी जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमें शौचालय इस्तेमाल करना है और आप हमें ये कह रहे हैं कि सर्किट हाउस में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला हूं मैं, छोड़ दीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और छोड़ दीजिए वो राज्यसभा सांसद है, छोड़िए, हम अब एक शौचालय जाना चाहते हैं। रायपुर से बिलासपुर का 2 घंटे के सफर में हमें शौचालय नहीं मिला, हम शौचालय के लिए रुके और आप कह रहे आचार संहिता, हम आपको उतर के शौचालय नहीं इस्तेमाल करने देंगे। मैं पूछ रही हूँ, पूछिए पूछिए, ये क्या आचार संहिता है मुझे समझ नहीं आती। हम तो छोटे कर्मचारी मैडम, नहीं नहीं छोटा बड़ा का बात नहीं, आप तो कुछ भी नहीं, आपका तो बात भी नहीं आ रहा है। आप जिस नियम कानूनों का हवाला दे रहे हैं, आई नो छत्तीसगढ़ में भाजपा की डबल इंजन सरकार है,